कहते हैं अगर आप पूजा में बैठे नहीं हो तो भी आरती जरूर लेनी चाहिए, और अगर आप आरती लेते हो तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हे भगवान, प्राची को मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर कर दो। मांगना तो मुझे मेरे बेटे के लिए भी था कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। लेकिन एक माँ सब जानती है। आपसे मैं क्या ही शिकायत करूं, ये भी नहीं बोल सकती कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि सही गलत का अंदाजा तो है आपको, लेकिन साथ किसका देना है ये नहीं पता। और आप मेरी सास होकर साथ उसका दे रही हैं जिसकी मैं सास नहीं हूं। मेरा तो मन कर रहा है कि आज एक बार के लिए ना बुरी सास बन जाऊं और तेरी बीवी को एक अच्छा सा सबक सिखाऊं। अच्छा, बड़ी जल्दी पल्लवी आपकी लाडली बहू से मेरी बीवी बन गई? पहले वो तेरी बीवी बनी, उसके बाद मेरी बहू बनी, और पता नहीं आजकल वो क्या बनी हुई है। अगर मैं आपकी बहू की सास होती ना तो कसम से। क्या क्या कसम से? जाने तो आप लोग खुद ही समझदार। अरे ए, सुनो, तुम लड़कियों के ऐसी बातें कैसे कर लेती हो यार? क्योंकि तुम लड़के हो के ना कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें नहीं लगता तुम किसी जल्लाद की दोस्त हो? तुम जल्लाद हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अब वेट वन सेकंड, लेकिन क्या हम दोस्त हैं? तो तुमने मुझे जल्लाद बोला। अरे बता दो तो जल्लाद। करो जल्दी से। पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिए, और घर की सुख शांति बनाए रखिए। घर में सब राजी खुशी हंसते खेलते रहे, रणबीर और मम्मी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। कितना टाइम लगेगा? पता लगे किसी और पर गिर गया। होनी चाहिए, तुम जल्दी करो। तुमसे नहीं होगा, तो इधर।